Dear friends, welcome back to my channel English Mentor. Today I'm just going to teach you part number 5 of our newly initiated grammar series English Common Errors. In this particular session, I'm just going to teach you another 30 common errors from 121 to 150. So let us start this particular session without any further delay. Sentence number 121. During the reign of an emperor of Vijayanagar, there lived a wise magistrate named Haripad. देखें, तो यहाँ पर हमने use किया part number 2 के अंदर an emperor, लेकिन हालांकि हमने यहाँ पर विजयनगर देकर उस emperor को definite बना दिया है, और जब कोई भी चीज definite होती है, known होती है, तो वहां पर आर्टिकल द लगता है, तो इसलिए यहां पर एन नहीं बल्कि द एम्परर हो जाएगा. सेंटेंस नंबर 122. माय पेरेंट्स केम टू टाउन विद द इंटेंशन इन विजिटिंग द यूनिवर्सिटी. देखें, अब पार्ट नंबर 3 को देखेंगे तो यहां पर इन विजिटिंग लिखा है, जो कि इनकरेक्ट है, बल्कि किस इंटेंशन के साथ आए वो, विद द इंटेंशन टू विजिट. तो यहां पे विजिटिंग नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, टू विजिट इज द करेक्ट आंसर. सेंटेंस नंबर 123. सुमन टुक अ 100 कॉइंस फ्रॉम द मैन एंड गेव हिम अ फ्यू मेडिसिन टू मेक हिम फील बेटर. नाउ माय डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 को फिर देखते हैं हम यहां पर. तो यहां पे फ्यू दिया है, जो कि आपका एक डिटरमिनर है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और बाद में आपने यूज किया मेडिसिन, जो कि इनकरेक्ट हो गया, तो यहां पर मेडिसिन हो जाना चाहिए, बिकॉज फ्यू अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर चलता है. सेंटेंस नंबर 124. द चिल्ड्रन वर इवन मोर एंग्रियर विद द शॉपकीपर फॉर हैविंग ट्रिक्ड देम द सेकेंड टाइम. नाउ इफ यू लुक एट द सेकेंड पार्ट, तो यहां पर देखो एंग्रियर और मोर, ये दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री को दिखाते हैं, तो इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया. तो इसको करेक्ट करने के दो तरीके, या तो आप इसको यूज करो मोर एंग्री, या तो मोर एंग्री करो, या इसके जगह सिर्फ एंग्रियर से काम चल जाएगा, या तो मोर एंग्री करो या एंग्रियर के हिसाब से चलेगा, दोनों ही करेक्ट है, मोर एंग्री या एंग्रियर, बट मोर एंग्रियर इकट्ठा नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, राइट. Since it was evening by the time the farmer reached the next village, he took shelter in the house of an old couple. Part number 4 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे old, जो कि इसका sound जो है वो vowel sound है. Vowel sound जब होता है तो आपका, तो वहां पर आप an use करते हैं, तो यहाँ पर a नहीं बल्कि an old couple आ जाना चाहिए. Now let us move on to our next example, 131. The revised government's guidelines have reduced the number of mergers taking place among banks. Now, if you look at part number 1, तो यहाँ पे revised governments, government को revise किया गया है, या government ने guidelines को revise किया है. तो sentence तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि government ने किसको revise किया है, guidelines को revise किया है. तो इस वजह से ये जो structure वो गलत दिया है, बल्कि होना क्या चाहिए था, the government's, the government's revised ये होना चाहिए था. तो यानी ये revised government के पीछे चला जाएगा, तो government's revised guidelines is the correct answer. I don't know which of the new trainees is be confirmed. If you look at the part number 3 or part number 4, दोनों देखते हैं एक बार. यहां पर is दिया है और उसके बाद be दिया है, जो कि इनकरेक्ट है. तो सेंटेंस को देखने से लग रहा है ये सेंटेंस आपका फ्यूचर का है, और वैसे भी बाद में बी प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, तो इसलिए यहां पे इज नहीं बल्कि विल बी कंफर्म्ड आएगा, विल बी कंफर्म्ड. टू प्रमोट इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन द गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स. सेंटेंस को अगर हम रीड करते हैं केयरफुली तरीके से, तो हमें इसका पता चलता है ये एक हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, या रिपीटेड एक्शन है, या कोई ऐसा एक्शन जो जनरली होता है. तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हैज ऑर्गेनाइज के बजाय क्या आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि ये आपका एक रिपीटेड एक्शन है,
या फिर जिसको आप बोल सकते हैं कोई ऐसा काम जो कि जनरली होता है, तो उस केस में प्रेजेंट इंडिफिनाइट यूज करते हैं। 134 को देखते हैं, बैंक्स इन इंडिया कैन नॉट ओपन एटीएम्स एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। तो एक्सेप्ट मतलब के अलावा होता है, बट यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से विदाउट आना चाहिए, विदाउट ऑप्टेनिंग। क्यों? क्योंकि बिना परमिशन लिए, विदाउट अप्रूवल, आरबीआई के अप्रूवल के बिना, तो बिना की सेंस देगा विदाउट। 135, टुडे द सक्सेस ऑफ कंपनीज डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड एफिशिएंट मैनेजिंग स्टाफ। नाउ इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, देखिए टुडे द सक्सेस ऑफ कंपनीज डिपेंड्स, यहाँ पे डिपेंड्स नहीं आएगा क्योंकि सक्सेस जो है वो आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ क्या लेकर चलता है, सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है, तो डिपेंड्स नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिपेंड होना चाहिए, सिर्फ डिपेंड्स नहीं आएगा, डिपेंड आएगा। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए 126 को देख लेते हैं, वो पीछे रिपीट हो गया था शायद, लेट मी जस्ट चेक इट वंस, पीछे वो स्लाइड पहले आ गई थी तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। नाउ लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। आई नोटिस सेवरल रिपोर्टर्स होवरिंग अराउंड आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे पार्ट नंबर 4 को, तो यहाँ पे आउटसाइड ऑफ, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पर सुपरफ्लुअस दिया है, आउटसाइड द कोर्ट रूम होता है ना कि आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई कलीग हैड अ हार्ड टाइम जगलिंग द नीड्स ऑफ आर फैमिली विद द डिमांड्स ऑफ आर जॉब। देखो डिमांड जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसलिए यहाँ पे डिमांड्स नहीं होगा, डिमांड होगा। डिस्पाइट ऑल द मीडिया हाइप आई फाउंड द फिल्म एज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो फाउंड जो होता है वो अपने साथ सीधा ऑब्जेक्ट लेकर चलता है, ना कि वो अपने साथ एज लेकर चलता है, तो यहां पर एज नहीं आएगा। आई फाउंड द फिल्म वेरी डिसअपॉइंटिंग इज द करेक्ट आंसर। गिवन दैट देयर वाज लेस टाइम आई थिंक द स्टूडेंट्स हैव डन अ गुड जॉब। देखो गिवन का मतलब होता है कंसिडर करना, देवर यहां पर दिया लेस टाइम, टाइम के आपका अनकाउंटेबल है तो इसलिए यहां पर वर नहीं बल्कि वॉज आना चाहिए, दे वॉज लेस टाइम होना चाहिए यहां पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द विनर ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड नॉट अदर देन द एडिटर्स डॉटर। अब देखो ध्यान से सेंटेंस को देखेंगे पार्ट नंबर 3 में, नॉट अदर देन नहीं बल्कि नन अदर देन द एडिटर्स डॉटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं हम, 136, अशोक हैज मैनेज टू अचीव हिज सेल्स टारगेट फॉर द क्वार्टर्स वेरी इजिली। देखिए अगर सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है, कंपैरिजन दिखा रहा है देन के साथ। देन एक क्या है, देन आपका एक कंजेक्शन है जो कि कंपैरिजन दिखा रहा है, और कंपैरिजन दिखाते वक्त आप वेरी यूज नहीं करते बल्कि मोर यूज करते, तो मोर इजिली आना चाहिए क्योंकि ये सेंटेंस आपका कंपैरिजन दिखा रहा है, मोर इजिली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डोर टू डोर इज नॉक्ड एट बाय द सेल्समैन इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट्स। सो माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, जब प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन होता है तो वो नाउन दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे डोर्स नहीं आएगा बल्कि डोर आएगा, और जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसलिए यहाँ पे देखो आपने इज नॉक्ड यूज किया जो कि करेक्ट है, तो यहाँ पे डोर्स के बजाय डोर टू डोर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट ऑयल कंपनीज आर मेकिंग अ लूज ऑफ ₹5 ऑन ऑल लीटर पेट्रोल दैट दे से। अब सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, देखो ये दिया है लूज, ये एक वर्ब है, बट सेंटेंस के हिसाब से हमें एक नाउन चाहिए, तो नाउन लूज नहीं बल्कि लॉस होता है, क्या होता है, लॉस, लॉस जिसका मतलब नुकसान होता है, तो यहां पर लॉस आना चाहिए, लूज नहीं आना चाहिए। द मैनेजर बिलीव्स दैट रमेश इज इनकम्पिटेंट इज नॉट नेसेसरी ट्रू। देखो ट्रू यहां पर क्या है, ट्रू यहां पर आपका एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव से पहले जो प्लेस होता है वो आपका होता है, वो होता है आपका एडवर्ब का, तो नेसेसरी नहीं बल्कि नेसेसरली आना चाहिए, क्या जाएगा, ly, नेसेसरली हो जाएगा, नेसेसरली इज द करेक्ट आंसर।
आर के बाद यहाँ पे वाई हटा दो, आई लगा के एल वाई कर दो, नेसेसरली हो जाएगा जो कि आपका एडवर्ब है, राइट। 140 देख लेते हैं। सिंस आई वॉज डूइंग माई एम बी ए आई इनिशियली चोज टू स्पेशलाइज इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि जब मैं अपनी एमबीए कर रहा था तो उसको मैंने चूज किया, तो सिंस तो आपका रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे टाइम पीरियड को बताने के लिए आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे व्हेन आना चाहिए, यानी जब मैं अपनी एमबीए कर रहा था, व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए इज द करेक्ट आंसर। 41 पे चलते हैं। 141 देखते हैं ध्यान से। टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम द वर्क आर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। नाउ इफ यू जस्ट लुक एट द सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स, तो यहाँ पर जब आप वी वन प्लस आई जी यूज करते हैं और वो एक नाउन की तरह काम करता है तो वो जिरेंड होता है, तो जिरेंड यहाँ पर यूज किया गया जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है आपका, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब भी आपके सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, इज इंपॉर्टेंट इज द करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन और स्मोकर आर मोर अफेक्टेड बाई द डिजीज लाइक अस्थमा एंड ट्यूबरक्लोसिस। नाउ इफ यू लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे नाउन हो गया, इसके बाद ऑफ यूज कर लिया, जनरली ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे स्मोकर नहीं बल्कि स्मोकर्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्मोकर्स। अब सब्जेक्ट देखो चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसलिए वर्ब आपने वर्ब भी क्या यूज किया, प्लूरल यूज किया, तो स्मोकर नहीं बल्कि स्मोकर्स होना चाहिए। वी ऑफन ग्रीट वन पर्सन बाय ज्वाइनिंग आवर हैंड्स एंड सेइंग नमस्ते। अब ध्यान से देखो, वी ऑफन ग्रीट किसको, एक आदमी को, हम एक स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं कर रहे, मतलब किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात नहीं करें, आम इंसान की बात करें, कोई भी एक आम इंसान की बात करें, जब वन की बात करते हो तो आप उसको स्पेसिफिक कर देते हो, लेकिन अ पर्सन कोई भी हो सकता है, तो वहां पर अ पर्सन आना चाहिए, वन पर्सन नहीं होना चाहिए। द हॉर्स हु वॉन द रेस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेबल। देखिए हॉर्स जो है वो आपका क्या है, नॉन ह्यूमन है, और नॉन ह्यूमन को बताने के लिए हु नहीं बल्कि विच का यूज किया जाता है, तो यहां पर विच आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द ट्रैफिक सिग्नल्स एट द जंक्शन डिड नॉट वर्क प्रॉपरली इन द मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनाइट दिया है, डिड नॉट ऑलरेडी दिया है, तो वहां पर सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी बल्कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्क हो जाएगा यहाँ पर, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर लास्ट स्लाइड विच इज 146 पे है। द चाइल्ड वेट लेस देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एट हिज एज। अब ये जो वेट दिया है ये आपका नाउन होता है, राइट, लेकिन हमें सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे वर्ब चाहिए जो कि वे होता है, डब्ल्यू ई आई जी एच, तो ये आना चाहिए डब्ल्यू ई आई जी एच, वे, द चाइल्ड वे इज लेस देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एट दिस एज इज द करेक्ट आंसर। द कप ऑफ टी विच वॉज केप्ट अपॉन द टेबल फॉल डाउन। सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, अब पास्ट का सेंटेंस हो गया तो यहाँ पे भी फॉर्म आपकी सेकेंड ही आनी चाहिए, तो फेल डाउन इज द करेक्ट आंसर। द पास्ट परसेंटेज हैज गॉन अप बाय द 20% फ्रॉम व्हाट यूज्ड टू अ डेकेड अर्लियर। व्हाट यूज्ड टू या व्हाट यूज्ड टू बी, क्योंकि जब आप स्टेट को बताना चाहते हो, कोई भी स्टेट ऑफ हैपनिंग या एग्जिस्टेंस को बताना चाहते हो, तो उस एग्जिस्टेंस को बताने के लिए आपको बी का भी यूज करना होता है, तो यहां पर क्या आएगा, व्हाट यूज्ड टू बी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन्स टू इन्वेस्ट मनी। देखिए लॉट ऑफ यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, और यहां पर हम यूज करें इन्वर्जन का केस। इन्वर्जन केस कौन सा होता है, जब जनरली हम जो वर्ब होती है वो मेन सब्जेक्ट के बाद लगा, जनरली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं, लेकिन इनवर्जन के केस में क्या होता है, वर्ब हम पहले लगा देते हैं और सब्जेक्ट उसका बाद में होता है। तो यहाँ पे अलॉट ऑफ स्कीम्स को आपको ध्यान से देखते, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर आपने इज यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, बल्कि होना क्या चाहिए, देयर आर अलॉट ऑफ स्कीम्स होना चाहिए। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज अ माइजर सन हु नेवर स्पेंट ए पेनी ऑन हिज ओन चिल्ड्रन। देखें अब देखो ध्यान से सेंटेंस को देखें कि वो क्या है, वो एक माइजर है, माइजर का मतलब होता है कंजूस, जो अपने बच्चों के लिए क्या, अपने बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए पैसा नहीं खर्चता है, सन नहीं बल्कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, पेरेंट आना चाहिए, क्योंकि पेरेंट अपने बच्चों के ऊपर नहीं खर्चता है, सन थोड़ी बोला जाएगा, सन और पेरेंट का कॉम्बिनेशन होता है, उसके चिल्ड्रन है तो वो क्या है, वो फादर या पेरेंट, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे या तो पेरेंट आना चाहिए या फादर आना चाहिए, राइट। सो माई डियर learners, this is all about from this particular session. I tried my best to simplify these 30 common errors.
Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another session. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.